हाय हेलो माय कच्ची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। और कोविड के एक लंबे फेज के बाद मैं कर रही हूँ ट्रेन की जर्नी, वो भी फर्स्ट एसी के कूपे में, और पूरे 30 घंटे की जर्नी है। तो इस 30 घंटे की जर्नी का ट्रैवल ब्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इस ट्रैवल ब्लॉग में खास चीज़ें ये हैं कि मैं आपको दिखाऊंगी कि फर्स्ट एसी का कूपा में क्या क्या चीज़ें खास होती हैं, कैसा दिखता है फर्स्ट एसी का कूपा, क्या क्या स्पेशल चीज़ें इसमें होती हैं, और साथ ही साथ आफ्टर कोविड फेज क्या क्या चीज़ें प्रिकॉशनरी आपको अपने साथ रखनी है ट्रैवल में, और किन किन चीज़ों को साथ में रखना होता है जब आप 30 घंटे की जर्नी करते हो और बाहर कुछ खा नहीं सकते, तो मैंने क्या क्या चीज़ें बना के अपने साथ कैरी की हैं, और साथ ही साथ रास्ते में कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी आपसे शेयर करूंगी। तो इस ट्रैवल ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और ये ब्लॉग मैंने स्पेशली आपके लिए शूट किया है, तो इसे देखने के बाद मेरे फैमिली का परमानेंट मेंबर ज़रूर बन जाइएगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये ट्रैवल ब्लॉग। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट एसी का 2 सीटर वाला कूपा दिखाती हूँ। तो ये जो कूपा होता है इसकी बड़ी अच्छी सी चौड़ाई होती है, मतलब सोने में बहुत ईजी होता है। 2 बर्थ होते हैं इसमें, इस कूपे में, और यहाँ पर बर्थ के बगल में जो विंडो होता है उस पर पूरे कर्टन्स लगे होते हैं, मिरर लगा होता है, एक्स्ट्रा लगेज के लिए ऊपर ये स्पेस होता है, चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं, नाइट बल्ब तक लगा होता है एसी के फर्स्ट कोच में, और बिस्तर पूरा बेड सेट मिलता है जिसमें 2 चादर, 1 तकिया, 1 कंबल और साथ में टॉवल मिलता है। ये 2 सेट देखिए दिया हुआ है डबल सीट के लिए, और कंबल और ये सारी चीज़ें ऊपर रखी हुई हैं। साइड में सीढ़ी बनी होती है ऊपर जाने के लिए, और ये कोच में जो डोर होता है उसमें सिटकिनी लगी रहती है कि आप क्लोज करके बहुत ही सिक्योर तरीके से आप इसमें जर्नी कर सकते हैं। यहाँ तक कि घर की तरह यहाँ पे कॉर्नर में डस्टबिन भी होता है, एक टेबल लगा होता है जिसपे आप खाना खा सकते हैं। और ये मैंने 30 घंटे की जर्नी की है, तो मैं बहुत ही सेफ तरीके से अकेले किया, लेकिन बहुत ही सेफ तरीके से मैंने जर्नी की। तो सबसे पहले ट्रेन पे बैठते ही लगती है भूख, तो मैंने लेकर के मैं आई थी तहरी। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है अपने चैनल पर। ये बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत टेस्टी होता है और बहुत ही फटाफट बन जाता है, और जर्नी के लिए बेस्ट होता है क्योंकि इसमें सारे वेजिटेबल्स भी होते हैं। और साथ में लिया है आम का अचार, बिल्कुल अभी बनाया है आम का अचार, इसकी भी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है। और ये जो तहरी होता है ना, ये घी में बनता है, इसलिए ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो पहले तो खाना खा लिया, फिर रेस्ट किया, और फिर हो गई इवनिंग की चाय का टाइम। तो चाय लिया, और चाय के साथ चाहिए स्नैक्स, तो स्नैक्स के लिए मैंने 3 डब्बे वाला जो बच्चों वाला टिफ़िन होता है ना, वो लेकर के मैं आई थी, जिसमें मैंने चूड़ा, मूंगफली, मटरी, जिसे हम नमकीन भी कहते हैं, वो लेकर के आए, ताकि 30 घंटे में अगर 2-3 बार भी चाय पिए तो ये चाय का अच्छा साथी बन जाए। आजकल जर्नी में घर का बना हुआ खाना ले जाना ज़्यादा सेफ है, ये आफ्टर कोविड इफ़ेक्ट है कि आप कहीं भी खाने में आपको रिस्क लगता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें बना के ले जाएं जो लॉन्ग ड्यूरेशन चल सके। अब अगला दिन हो गया, रात में सोने के बाद अगला दिन हो गया, तो सबसे पहले एक किट है जिसमें मैंने रखा है पेपर सोप, जो कि बहुत ज़रूरी है हैंड वॉश करना, पेपर सोप लेकर के चलना चाहिए आजकल। और बाकी किट में तो ब्रश, जिब्बी, फेस वॉश, जो भी कॉमन होता है वो तो रखना ही है, लेकिन पेपर सोप को अपने पास ज़रूर रखिएगा ताकि हैंड वॉश ज़रूर कर सकिए। इसके अलावा ये है सैनिटाइज़र स्प्रे वाला, जब आप वॉशरूम में जाइए तो पहले इस सैनिटाइज़र को स्प्रे कर दीजिए पूरे वॉशरूम में, इवन बेसिन जो सिंक है ना उसके नल पे भी स्प्रे कर दीजिए, ताकि ये जो कोविड वायरस वाला डर है ना वो आपको जर्नी में सेफ रखे। तो ब्रश करने के बाद, मेरी यात्रा कंटिन्यूस चल रही थी, तो इसके बाद फिर मैंने योगा करना शुरू किया, क्योंकि योगा जो है वो मेरे रेगुलर लाइफ का हिस्सा है। हालांकि जब आप फर्स्ट एसी में होते हैं तो फुल एसी चलता है, तो आपको शुद्ध हवा नहीं मिलती, यानी कि आपको साफ हवा नहीं मिलती है, तो तब भी योगा जो होता है ना वो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप कहीं भी रहें उसको करना चाहिए, क्योंकि वो एक शरीर के लिए एडिक्शन होता है। तो मैंने सबसे पहले फिर योगा करना प्रेफर किया। तो रास्तों को देखते 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 रात बीत गई, सुबह हो गई, ब्रश हो गया और योगा का टाइम हो गया। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन आप अगर मेरे और भी ब्लॉग्स डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैंने लोम विलोम किया, उसके बाद कपाल भारती किया, और इसके बाद जो भी बेसिक योग होते हैं ना, जो मैंने आपसे ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर किया हुआ कि 5 योगा 15 मिनट में मैं रोज़ करती हूँ, वो कंपलसरी होता है करना, क्योंकि वो आपके शरीर के लिए एक एडिक्शन हो जाता है।
तो अगर आप योगा नहीं करते हैं तो योगा के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या 5 योगा हैं जो डेली करना चाहिए, ये वीडियो जो है मेरे चैनल पर ऑलरेडी शेयर की हुई है, उसे ज़रूर देखिएगा। क्योंकि आजकल हेल्दी रहने के लिए हेल्दी खाना से ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी तरीकों को अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड करना। और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि फेस योगा। फेस योगा आप बैठे बैठे किसी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि ये फेस योगा जो होता है ना, वो एज के इफ़ेक्ट्स को आपकी स्किन पे आने से तो रोकता ही है, डीले करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को भी हेल्दी रखता है। तो जो हम खाते हैं ना, वो इंटरनली हमें हेल्दी बनाता है, पर एक्सटर्नली भी हमें हेल्दी रहना होता है। तो इंटरनली और एक्सटर्नली यानी अंदर और बाहर दोनों तरह से हेल्दी रहने के लिए योगा, फेस योगा, एक्सरसाइज, ये डेली लाइफ का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। आप अपनी लाइफ में इतना टाइम तो ज़रूर निकालिए कि आप इसे एक एडिक्शन की तरह बनाइए, कि आप किसी भी पोजीशन में हो, कहीं पर भी हो, वो रेगुलर बेसिस पे ज़रूर करिए। ये जो है, ये वाला जो ये कर रही हूँ मैं एक्सरसाइज, ये जिन लोगों को गर्दन की प्रॉब्लम होती है उनको ज़रूर करना चाहिए, जैसे जो बारीक काम करते हैं पढ़ने लिखने का। अब आप ये देख रहे हैं, ये मैंने पेपर चिपकाया है सेलो टेप से, क्यों? क्योंकि एसी बहुत तेज़ चल रहा था और केबिन बिल्कुल ठंडा हो गया था, तो ये जुगाड़ जो होता है ना वो हमेशा ही चलता है मेरे साथ। तो अगर ज़्यादा गर्मी लगने लगती है तो इस पेपर में होल कर देती हूँ तो नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है, क्योंकि आजकल फर्स्ट एसी में एसी बहुत तेज़ चलता है और मेरी एसी की ऐसी कोई एडिक्शन है नहीं। तो सुबह उठ के मैंने बेड को भी फोल्ड कर दिया है और खिड़की पे बैठ करके बाहर के सीन का मज़ा लिया। उसके बाद हो गया ब्रेकफास्ट का टाइम, तो ब्रेकफास्ट के लिए मैं घी लगा करके रोटी लाई थी, क्योंकि रोटी में घी लगने के बाद रोटी ख़राब नहीं होती। और साथ में लाया था परवल आलू की सब्ज़ी, जो कि ज़्यादा तेल में बनाया था, तो क्योंकि तेल जब ज़्यादा होता है ना तो सब्ज़ी ख़राब नहीं होती है। और ये है साथ में लिखा है वेट वाइप्स, ये गीले टिश्यू पेपर होते हैं, इसे ज़रूर रखिए, ताकि हाथ पोछने के या कोई भी चीज़ पोछने के ये बहुत अच्छा काम आता है। और अभी के टाइम में जर्नी में ये बहुत ज़रूरी होता है रखना, क्योंकि आप बाथरूम जाते हैं तो हैंडल छूते हैं इस तरह से। और फिर दिन के बाद कुछ चुरमुरे खाने का मन हुआ तो मैंने भीगे हुए चने रखे थे, अंकुरित चने, साथ में उसी चने के बॉक्स में नींबू, एक प्याज, हरी मिर्ची और नमक मिला करके एक पोटली में रख लिया था। ये सब चीज़ें ना ट्रेडिशनली हमारे टाइम में पहले जब हम छोटे थे ना तो जर्नी में चलती थी, लेकिन अब हम सब फिर से पुराने टाइम में आ गए हैं। हमें फिर से वही सारी चीज़ें करनी होगी कि अपने साथ खाना पैक करके ले जाना होगा, और ट्रेन में तो वैसे भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और जब 30 घंटे की जर्नी हो, वो भी अकेले हो, तो यही सब खाते पीते जर्नी बीत जाती है। साथ में एक किताब रख लेती हूँ, वो पढ़ लिया, क्योंकि ट्रेन में तो इंटरनेट भी इतने अच्छे स्पीड में नहीं काम करता है। तो चना है ये स्प्राउट, इसमें प्याज काट के डाल दिया, छिलके सहित खीरा काट के डाल दिया। जब भी खीरा खाएं ना तो खीरे को छिलके सहित खाएं। मैंने अपनी एक वीडियो में आपसे शेयर किया हुआ है कि खीरा जो होता है ना वो हीरे की तरह होता है, लेकिन वो तभी हीरा होता है जब आप उसको छिलके सहित खाते हैं। तो खीरे खाने के क्या क्या फ़ायदे और किस किस तरह से खा सकते हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ, आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और अब इसमें काटेंगे कड़वी कड़वी सी हरी मिर्ची, बहुत अच्छी लगती है और बहुत टेस्टी तो होता ही, बहुत ही हेल्दी होता है हरी मिर्ची, एक दिन में एक मिर्ची ज़रूर खानी चाहिए। और ऊपर से गारेंगे नींबू, और ये जो है नमक, काली मिर्च और चाट मसाला मिला करके मैंने एक डब्बे में रख लिया था, क्योंकि फ्रूट्स भी खाते हैं ना तो फ्रूट्स के साथ भी नमक अच्छा लगता है और कुछ ना कुछ नमक की ज़रूरत पड़ ही जाती है। और नींबू गार करके अब मैं लूँगी चने का मज़ा। और आप अगर इस वीडियो में मज़ा ले रहे हैं देख करके, एसी फर्स्ट कोच के जर्नी, अकेले जर्नी में मैंने क्या क्या किया, तो वीडियो के नीचे लाइक बटन है उसको प्रेस करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा ब्लॉग लग रहा है। क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मैं अपने पर्सनल ब्लॉग शेयर नहीं करती हूँ, मैंने अभी आप लोगों के बहुत सारे मेल आए तो मैंने ये शुरू किया पर्सनल ब्लॉग। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और डेली बेसिस पे ब्लॉग या इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियोस देखनी होगी तो मेरे चैनल को प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा। आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के हों, आपको ढेर सारी वहाँ पे यूज़फुल, इंटरेस्टिंग और जानकारी भरी वीडियोस मिल जाएंगी। और मेरे फैमिली का मेंबर बनना हो तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये जो आधा खीरा था ये मैंने वेस्ट नहीं किया, इसे भी मैं साथ में खा लूँगी, और खा लिया मैंने उसे। और अब मैं पहुँच गई हूँ दिल्ली, तो फाइनली 30 घंटे की यात्रा खाते पीते सोते पढ़ते लिखते और आपसे बातें करते करते बीत ही गई।